आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा अनुसंधान केंद्र के इस विज्ञान स्टूडियो में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको विदित है कि यूसर्क हमेशा अलग अलग टॉपिक्स पे, अलग अलग विषय पे हम लोग विभिन्न विषयों को विशेषज्ञों के द्वारा हम स्थानीय जनता व विद्यार्थियों के मध्य हम पहुंचाने की कोशिश हमारा प्रयास रहता है। इसी क्रम में आज हमारे मध्य में कुसुम घिल्डियाल जी यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि अभी सीड ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि सोसाइटी फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में 1999 से जुड़ी हुई हैं और उसकी आप सचिव भी हैं। आप यहाँ पे मौजूद हैं और आपका पिछले 25 वर्षों से महिलाओं के साथ व रूरल डेवलपमेंट में, विद्यार्थियों के साथ व अन्य जितनी भी स्थानीय जनता के साथ विभिन्न मुद्दों पर आपका काम रहा है, और जो कि हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनका कैसे सतत मैनेजमेंट हो, उस पर भी आपका बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। इसके साथ ही आपने जो डिजास्टर, एक बहुत ही बड़ी हमारी उत्तराखंड राज्य की एक समस्या है, और यहाँ की जो विषम परिस्थितियाँ हैं उसमें कैसे हम जो हमारे आपदाएं आती हैं, डिजास्टर्स आते हैं, उसमें हम कैसे निपटारा करें व उसमें यूथ का क्या रोल हो सकता है, और आपने इसके में कई मॉड्यूल आपने डेवलप किए हैं। तो आज हमने आपको व्याख्यान के लिए यहाँ पे हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे इस विज्ञान स्टूडियो में आपका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। और इसी के साथ ही मैं आपका जो आज का टॉपिक हमने आपको दिया हुआ है कि रोल ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड रोल ऑफ यूथ इन उत्तराखंड, उस पर मैं आपके व्याख्यान के लिए मैं आपको यहाँ पे आमंत्रित करती हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके व्याख्यान से और आपके जो एक्सपीरियंस हैं उससे हमारे जो विद्यार्थी हैं और स्थानीय जनता है उनको लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद। नमस्कार आप सभी लोगों को। और अभी जैसे मंजू मैडम ने एक बताया था कि आज हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, तो अपनी बात शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आज का जो टॉपिक रखा है कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण और युवाओं का उसमें क्या भूमिका हो सकती है, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम आपदाओं की बात करते हैं तो आपदाओं को लेकर के यदि हम जब देखते हैं तो हमारा उत्तराखंड बहुत संवेदनशील तो है, लेकिन होता क्या है कि यदि जब आपदाओं पर हम किसी को बात करते हैं, जागरूक करने की बात करते हैं, जानकारी देने की बात करते हैं, तो सबको लगता है नहीं नहीं जब होगा तब देखा जाएगा। तो इन्हीं सब चीज़ों के मद्देनज़र आज थोड़ा सा हम लोग, क्योंकि जैसे यूसर ने बताया था कि इसमें युवाओं की भागीदारी भी है, और कहीं ना कहीं अभी हम जो अपनी जानकारी, जो एक हमारे जो अनुभव है, हम आप लोगों के साथ साझा करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं समुदाय के बीच भी जाएगा। तो इसी थोड़ा सा जो मैं अपने जो एक, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि नहीं हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन जितना पिछले कुछ वर्षों में हमारे अपने जो अनुभव रहे हैं, हमने जो सीखा है समुदाय के साथ, युवाओं के साथ, सरकार के साथ मिल करके और अलग अलग संस्थाओं के साथ मिल करके हमने जो एक अनुभव हासिल किया है, तो उसको हम एक छोटी सी एक व्याख्यान के रूप में हम थोड़ा सा आप लोगों के साथ जानकारी साझा करेंगे कि आपदाएं क्या है, किस तरह की होती हैं, क्या हमें करना चाहिए, किस तरह का हमें काम करना चाहिए। और जब हम एक समुदाय के रूप में, एक व्यक्तिगत तौर पे हमारी क्या जिम्मेदारी हो जाती है, एक व्यक्तिगत युवा होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारी होती है, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। और इसके साथ ही मैं यूसर का धन्यवाद अदा करना चाहूँगी कि वो समय समय पर इस तरह के बहुत जो ज्वलंत विषय होते हैं उन पर वो अपने विचार, दूसरे लोगों के विचार वो साझा करते रहते हैं, जिसमें कि कहीं ना कहीं जो एक हम जो एक मैसेज देना चाहते हैं, कहीं ना कहीं जो एक मकसद यूसर का है, कहीं ना कहीं जो स्वयंसेवी संस्थाओं का एक मकसद है, सरकार का जो मकसद है कि लोगों को जागरूक करना, लोगों को जानकारी देना, संवेदनशील करना। तो मुझे लगता है कि पिछले कई वर्षों से यूसर के साथ हमारा एक तालमेल रहा है और उसमें एक बेहतर एक भूमिका निभा रहा है। आज मुझे फिर एक बार मौका मिला है आप लोगों के साथ एक जानकारी साझा करने के लिए, उसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और यूसर का जिसे हम, मैं कहूँगी कि एक बहुत एक बढ़िया एक प्लेटफॉर्म दिया, एक अच्छा मंच हम लोगों को दिया है, तो यूसर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। विषय वस्तु पे जैसे हम जो बात कर रहे थे मुख्य रूप से कि आपदा क्या है, यदि हम लोग रोजमर्रा की अपनी जिंदगी में देखें तो आपदा शब्द का हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। मुख्य रूप से आपदा की जब हम बात करते हैं तो आपदा मुख्य रूप से कोई भी ऐसी घटना है
जिससे कि कोई भी एक विशेष जो स्थान होता है वो प्रभावित होता है, जिसमें कि हमें ये लगता है कि उस स्थान में जहाँ पर आपदा आई है उस स्थान में किसी तरह की कोई दिक्कतें पैदा हुई हैं, उन चीज़ों का निस्तारण करने के लिए उस समुदाय को, प्रभावित जो समुदाय हुआ है उस समुदाय को किसी तरह का जो सहायता चाहिए, उस सहायता प्रदान करने के लिए कहीं ना कहीं हम लोग जब हम बात करते हैं तो उसको हम आपदा कहते हैं। मुख्य रूप से आपदाओं की जब हम बात करते हैं तो चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे भौतिक हो, चाहे संसाधनों के रूप में हो, तो किसी खास करके तब होता है कि जब हम किसी विशेष जगह पर जब वो आपदा होती है जिसमें कि हमें लगता है कि यहाँ के जो स्थानीय समुदाय है वो अपने आप में सक्षम नहीं हो पाएगा उस आपदा से लड़ने के लिए, और हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं बाहर से इसमें सहायता की आवश्यकता होती है। आपदा की जब हम बात करते हैं कि कई बार लोग कहते हैं कि नहीं नहीं भूकंप आया, बहुत बड़ी आपदा आई थी, कि क्या आपदा आई थी कि भूकंप आया था, ठीक, या आग लग गई या एक्सीडेंट हो गया, तो ये आपदा में होता है कि थोड़ा सा एक फर्क होता है आपदा और विपदा में। आपदा में है कि आपदा हम तभी कहेंगे यदि भूकंप आया, आकर के चला गया, तो वो आपदा नहीं हुई, वो उसे हम कहेंगे विपदा। आपदा वो तभी होगी कि यदि कोई भूकंप आया उससे किसी भी तरह का, चाहे वो जन हानि है, चाहे वो कोई हमारे संसाधनों की हानि हुई है, तो उस हानि, यदि किसी तरह की कोई भी हानि हुई है तब हम उसको कहेंगे आपदा का, तब हम रूप देंगे। नहीं तो यदि हम देखें तो ये सारी विपदाएं ही होती हैं जब तक कि वो किसी तरह से, चाहे वो प्रत्यक्ष चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी संसाधन को वो हानि नहीं पहुँचाती है। अब बात हम करते हैं आपदा की, जब हम बात करते हैं तो कई बार हम लोग कहते हैं कि जैसे कि आज के विषय वस्तु में भी था कि आपदा प्रबंधन की हम बात करते हैं, तो प्रबंधन जो शब्द है, कहीं ना कहीं प्रबंध शब्द जो है वो कहीं ना कहीं चीजों को एक तरह से मैनेज करना होता है, चीजों को समेटने की एक बात कही जाती है। और सिर्फ आपदा की बात नहीं, यदि हम घर की भी बात करें तो घरों में भी होता क्या है कि घर का अपना एक प्रबंधन होता है कि कौन कितने बजे क्या काम करेगा, किस तरह से काम करेगा। तो चाहे वो घर की हम बात करें या किसी के व्यक्तिगत जिंदगी की हम लोग बात करें, तो हर कोई का किसी ना किसी का अपना एक प्रबंध किया होता है कि कब उसे ऑफिस जाना है, कितने बजे जाना है, कैसे तैयारी करनी, क्या काम था। उसी तरह से घर की जो गृहिणी होती है उसका भी कहीं ना कहीं अपना एक प्रबंध होता है कि उसे पता है कि महीने में इतना पैसा आएगा, इस तरह से हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो वो पूरा एक तरह से, जिसे हम कहेंगे कि एक हम लोगों का एक पूरा प्लान्ड होता है, एक तरह से पूरी योजना तैयार होती है, उस योजना को बनाने के लिए हम उसके लिए कोशिश करते हैं कि कैसे वो योजना लागू हम करेंगे, कौन उस योजना को काम करेगा, किस तरह से होगा, यदि ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा कौन करेगा, ऐसा नहीं हुआ तो उस चीज को कौन करेगा, यदि किसी तरह का कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई कौन करेगा, यदि माना पैसे नहीं आए, या यदि हम घर की ही हम बात करते हैं, यदि माना 3,000 हमारे पास महीने का खर्चा है, 4,000 इनके से यदि खर्चा होता है तो 1,000 रुपये यदि होता है तो हम किस तरह से खर्च करेंगे। तो वही सारी चीजें हैं कि प्रबंधन का, वही प्रबंधन में यही हम लोग बात करते हैं कि जिसमें कि हम योजनाओं को बनाने की, तालमेल बैठाना, लागू करना, और किस तरह से हम उस चीज को काम करें, वो हम प्रबंधन कहते हैं। तो उसी तरह से जब हम आपदा की बात करते हैं तो आपदा में भी अलग अलग तरह के तरीके होते हैं, जिसमें कि मेन हम जो बात करते हैं कि आपदा प्रबंधन की, जब हम बात करते हैं सबसे पहले हमारा जो उद्देश्य होता है उसमें कि यदि आपदा से किसी तरह का कोई डर जो पैदा हुआ है, कोई खतरा पैदा हुआ है, तो उसको हम रोकने की बात करते हैं। आपदा के उसमें एक, जिसे हम कहेंगे एक सत्य है कि आपदाओं को हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य है कि आपदाओं से जो होने वाली जन और धन की जो हानि है उस हानि को हम कम करने के प्रयास हम कर रहे हैं। और वो कम कैसे होगा, मुख्य रूप से यदि प्रबंधन की हम बात करें, आपदा प्रबंधन की, तो उसका सार मुख्य रूप से वही है कि समाज को कम से कम हानि हो। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम जन हानि की हम बात कर रहे हैं, जन धन हमारे जितने भी रिसोर्सेज है, चाहे मकान है, हमारी जमीन है, हमारे पानी के स्रोत हैं, ये जितने भी सारी चीजें हमसे जुड़ी हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, उसको हम किस तरह से उसको हम मिनिमाइज करें, किस तरह से हम उसको कम से कम करें, वही हमारा आपदा प्रबंधन का मुख्य रूप से लक्ष्य है। तीसरा है कि यदि हम उसको कम करने की हम बात कर रहे हैं, आपदा के होने वाले नुकसान को कम करने की बात कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं है कि हमको क्षमताओं को बढ़ाना होगा, हमको लोगों को जागरूक करना होगा, लोगों को जानकारी देनी होगी ताकि लोग समझें, उस चीज को जानें। जब हम क्षमताओं को बढ़ाने की हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपदा से निपटने के लिए पहले से वो तैयारी करेंगे, क्योंकि यदि हम आपदा से होने वाले नुकसान को हम तभी कम कर सकते हैं जब हम पहले से किसी चीज के बारे में तैयार रहें कि हाँ यदि ये होगा तो हम ये करेंगे, और वो तभी होगा जब हम पहले से उसके लिए तैयारी करें, पहले से हमारे उसके पास कोई योजना तैयार हो।
इनकी स्थिति आपदा आती है तो उस दौरान हम किस तरह से काम करेंगे, हमारा प्रक्रिया क्या होगी, किस किस तरह से हम काम करेंगे आपदा के समय, वो एक हमारा उद्देश्य होता है। यदि आपदा आई, हमने काम किया, उसके साथ साथ आपदा में मुख्य रूप से जो बचाव और राहत का जो काम होता है वो हम किस तरह से करेंगे, और आपदा के बाद जो काम आता है, क्योंकि आपदा में यदि हम देखें मुख्य रूप से तीन चीजें आती हैं, आपदा से पहले, आपदा के दौरान और आपदा के बाद। और आपदा के बाद जो हम बात करते हैं तो उसे मुख्य रूप से जो बात आती है वो यही आती है कि किस तरह से वहां के लोगों का विस्थापन किया जाए, किस तरह से वहां पे लोगों का पुनर्निर्माण हो, कहां पे उनको ले जाया जाएगा, यदि उनका गांव सुरक्षित नहीं है, यदि जिस इलाके में वो रह रहे हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र है चाहे वो शहरी क्षेत्र है, जहां पर भी वो रहते हैं, यदि वो उनके लिए सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित है, तो कहां पर उनको पहुंचाया जाए। यदि हमें लग रहा है कि यदि आपदा आई है कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए वो जगह असुरक्षित हो सकती है, बाद में सुरक्षित हो सकती है, तो ऐसे कौन कौन सी चीजें होंगी, कहां पर हम उनको विस्थापित करें, कहां पर उनका पुनर्वास करें, स्कूल है या शेल्टर कोई है, इस तरह से चीजें, तो उन सब चीजों की बात हम लोग आपदा के बाद हम लोग मुख्य रूप से रखते हैं। इसके बाद जब हम बात आती है, अब बात आती है कि जब हम आपदाओं की बात कर रहे हैं तो आपदाओं को यदि हम देखें तो मुख्य रूप से आपदा दो तरह की होती है। जो हमने कोशिश करा है एक आपके सामने रखने की, इसमें कुछ चीजें आपको लगता है कि कुछ चीजें हम इसमें और भी शामिल कर सकते थे तो वो हम उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमको जो लग रहा है कि इसमें जितना शामिल किया गया सिर्फ वही आपदाएं हैं, इसके अलावा और भी नहीं हो सकती हैं। तो इसमें है कि इसमें आप लोगों को लगता है कि नहीं कुछ बदलने की बात है, कुछ लग रहा है कि नहीं ये सही नहीं है, वो सब आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन इसमें ये है कि मुख्य तौर पे जो हमको दिखा है, मुख्य तौर पे जो हमने एक समाज में जो चीजें देखी हैं, जो हम चाहे हम अपने उत्तराखंड की बात करें चाहे हम अपने देश की हम बात करें, तो मुख्य रूप से जो हमको दिखता है उसमें जो एक प्राकृतिक आपदा कहलाई जाती है, दूसरी होती है मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा में यदि हम लोग देखते हैं तो एक बाढ़ की हम लोग बात करते हैं, चक्रवात हम कहते हैं, भूस्खलन है, सूखा है, भूकंप है, बादल फटने की हम बात करते हैं, ओलावृष्टि की हम बात करते हैं, शीतलहर की हम बात करते हैं, आंधी की है, हिमस्खलन है ना, बहुत ज्यादा बारिश होना है, जंगलों में आग, मुख्य रूप से प्राकृतिक आपदा में हम लोग इनको मोटे मोटे तौर पर हम लोग इनको लेते हैं। दूसरा जब हम कहते हैं कि मानव जनित, थोड़ा सा फर्क ये है कि प्राकृतिक आपदा की जब हम बात करते हैं तो हम इसे कहते हैं कि ये वो आपदाएं हैं जिनमें कि मानव का सीधे सीधे तौर पे किसी भी तरह का रोकने का कोई हस्तक्षेप नहीं है। मतलब यदि हम कहें हम बाढ़ की बात करें तो कभी भी कहीं भी आ सकता है, मतलब हम एकदम से हम ये नहीं कह सकते कि नहीं ये हमारी वजह से हुआ है। हाँ, उसके पीछे कारण बहुत सारे हो सकते हैं कि कहीं जब हम बात करते हैं प्राकृतिक आपदाओं की भी, तो कई बार हम उसको कह रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन है या हमारा कई सारे हमारा एक जिसे हम कहेंगे मानव ने बहुत ज्यादा जो एक तरह से एनक्रोचमेंट किया है कहीं ना कहीं, वो सारी चीजें वो बात की बात होती है। लेकिन प्राकृतिक में है कि जो प्रकृति के द्वारा दी गई जो चीजें हैं वो हम प्राकृतिक में लेते हैं। मानव निर्मित आपदाओं में मेन जो हम बात करते हैं कि जो आपदाएं हम इंसानों ने अपने आप से स्वयं के लिए तैयार की हैं, जिसमें कि हम लोग कई बार कहते हैं कि झगड़े फसाद हो जाते हैं, या हम दुर्घटनाओं की बात करते हैं, चाहे वो सड़क दुर्घटना है, चाहे रेल दुर्घटना है, चाहे वो हम लोग विमान दुर्घटना की बात करें, महामारी एक जो हम बात करते हैं, जिससे कि हम यदि महामारी की हम बात कर रहे हैं तो अभी जो कोविड को हम पिछले जो 20-22 महीनों से जो हम चीजों को देख रहे हैं और जिस चीज को हम भुगत भी रहे हैं, अभी तक हम लोग भुगत रहे हैं पिछले 22 महीनों से, तो महामारी वो कहीं ना कहीं एक तरह से आपदा का ही एक रूप है। कई बार होता है कि कई बार खाने में जो जहर हो जाता है तो वो भी एक तरह से मानव जनित आपदा है। पेड़ों का कटान है, जंगल में आग है। अभी यदि आप लोग देखेंगे तो जंगलों में आग हमने प्राकृतिक में भी रखा है, मानव जनित दोनों में हमने रखा है। वो इसलिए रखा है कि कई बार हम लोग जब जंगलों में आग, क्योंकि यदि हम उत्तराखंड की बात करें तो अभी जैसे फरवरी से ही अब देखिएगा कि अगला महीना शुरू होते ही आग लगनी शुरू हो जाती है। तो आग जब लगती है तो जब विभाग से बात होती है तो वो कहते हैं गांव के लोगों ने लगाई है, गांव वालों से बात करो तो कहते हैं विभाग ने लगाई है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके दोनों रूप है। कई बार प्राकृतिक भी होता है कि अपने आप से भी आग लग जाती है, जब बहुत ज्यादा सूखा पड़ता है तो अपने आप भी आग लगती है, उसके बहुत सारे अलग अलग पहलू आते हैं। कई बार होता है कि हम लोग जानबूझ करके भी आग लगाते हैं, कई बार गलती से भी हमसे आग लग जाती है। तो इसलिए जो जंगलों की आग है उसको दोनों रूप में रखा गया है। कई बार होता है कि भगदड़ मचने से जैसे दुर्घटना हो जाती है, वो भी एक तरह की आपदा होती है। यदि हम देखें अभी 2 महीने पहले जो वैष्णो देवी में हुआ था, वहां पर भगदड़ मची थी अचानक से, तो उससे काफी सारे लोग मरे थे। दंगा एक उसका रूप है। युद्ध की हम जब बात करते हैं,
रासायनिक प्रदूषण इसकी हम बात करते हैं, विस्थापन है, विस्थापन की जो मेन हमारा इसमें आपदाओं में है कि जब कई बार होता है कि जब बहुत ज्यादा जब हम औद्योगिक विकास की हम लोग बात करते हैं तो बड़े बड़े डैम्स जब बनते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह जब उनको विस्थापन किया जाता है तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से हम लोग उसको कहते हैं कि वो मानव जनित आपदा में ही हम लोग आता है। दूसरा है पर्यावरण जो हमारा प्रदूषित हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे जो रोल है वो हमारा ही है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े उद्योग धंधे जो चल रहे हैं उनका जैसे इस तरह से हम लोग कहते हैं कि सुचारू रूप से जो एक तरह से उनका निस्तारण होना चाहिए था, जो एक अपशिष्ट प्रबंधन होना चाहिए था, है ना, चाहे वो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की बात करें चाहे हम तरल अपशिष्ट प्रबंधन की हम लोग बात करें, तो उसका प्रॉपर तरीके से होता नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं है कि वो समय के साथ साथ वो कहीं ना कहीं एक तरह से आपदा का रूप लेता है। कई बार होता है कि त्वरित परिणाम नहीं दिखते हैं, तुरंत नहीं दिखता है, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे वो चीजें बढ़ती चली जाती हैं, जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वो एक आपदा का रूप ले लेती है। आपदाओं में हम लोग बात करें तो मुख्य रूप से हम उन्हीं आपदाएं, जैसे आपने पहले वाले स्लाइड में देखा होगा उसमें हमने चक्रवात की बात भी करी है, धूल भरी आंधी की भी हम लोगों ने बात करी है, लेकिन ये है कि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखें तो मुख्य रूप से जो आपदाएं हमको दिखाई देती हैं उसमें बाढ़ एक हमारे सामने दिखता है कहीं ना कहीं। तो बाढ़ की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए कई बार होता है कि सरकार भी बहुत सारे SOP जो एक वो होता है जिसे हम कहेंगे कि सरकार भी कुछ नियम कानून तय करती है, गाइडलाइन बनाती है जिसमें कि ये होता है कि आप लोग क्या करें क्या ना करें। उसमें समय समय पर सरकार लोगों को जागरूक भी करती है, उसमें कई बार होता है कि सरकार के साथ साथ अलग अलग स्वयंसेवी संस्थाएं भी हैं, पंचायत भी अपने अपने स्थान अपने अपने स्तर पर इस तरह के काम करती है। तो जब हम बाढ़ की हम लोग बात करते हैं तो यदि हम किसी नदी के किनारे हम लोग रहते हैं या हमारा शहर है या हमारा गाँव है या हम जहाँ पर रहते हैं यदि नदी के किनारे है तो कहीं ना कहीं है कि उस पर हम लोग खास करके यदि हम बाढ़ की जब हम बात करते हैं तो मानसून के टाइम पे यदि हम देखें तो उस समय इसकी आशंका ज्यादा बढ़ जाती है। मानसून के समय होती है आशंका, तो उसमें यह होता है कि मुख्य रूप से यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं है कि हमें जो है कि जो टीवी पर या रेडियो में कई बार होता है कि चेतावनी दी जाती है या उसके आसपास कहीं डैम बना है तो वहां से समय समय पर सूचना का प्रसारण किया जाता है। तो एक तो थोड़ा सा ये है कि हमको ये थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा कि समय समय पर सूचना हम जो सरकार के द्वारा दी जा रही है कि कई बार वो सूचना प्रसारित करते हैं कि वाटर लेवल बढ़ रहा है, जल स्तर जो है वो बढ़ रहा है, तो उसको लेकर के हमें देखना होगा। दूसरा है कि कहीं ना कहीं उसमें है कि जो इनके यदि बाढ़ आती है, यदि पानी ज्यादा बढ़ता है तो हम लोग क्या करेंगे, तो आसपास के जो हमारे सुरक्षित स्थान है यदि हमें लगता है कि हमें अपना घर छोड़ना पड़ेगा तो कहाँ पर हम जाएंगे, उसके थोड़ी हमें जानकारी होनी चाहिए। दूसरा एक चीज इसमें लिखा गया है कि आपातकालीन किट तैयार रखें। आपातकालीन किट की जब हम लोग बात करते हैं तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये गांव के परिपेक्ष में है, ये शहरों के परिपेक्ष में भी है। आमतौर पर हम लोग जब देखते हैं तो जब कोई आपदा आती है, किसी भी तरह की कोई आशंका होती है तो सबसे ज्यादा नुकसान होता है वो हमारा भगदड़ की वजह से ज्यादा नुकसान होता है। अब भगदड़ की वजह से ज्यादा नुकसान होता है उस समय हमारा दिमाग काम नहीं करता कि हम क्या करें और क्या ना करें, आदमी सीधे भागने की सोचता है कि पहले मैं बचूं, आदमी पहले खुद निकलते हैं। आदमी का मतलब मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जिसको पहले पता चला पहले वो बाहर निकलता है, उसके बाद जब वो बाहर निकल जाता है सुरक्षित होता है तब उसे लगता है कि नहीं हमारे घर के लोग तो अभी अंदर थे, दोबारा वो फिर अंदर जाते हैं। तो उसमें क्या है कि कहीं ना कहीं है कि एक आपातकालीन किट की हम बात जब करते हैं तो उसमें है कि आपदा जब आती है तो उसमें सबसे ज्यादा नुकसान होता है कि सबसे पहले हमारा जो मकसद होता है कि हमें अपने आप को सुरक्षित करना है, जो पहले निकला है उसको अपने आप को सुरक्षित करना है, वो सुरक्षित हुआ तब वो दूसरों का सुरक्षित कर पाएगा। इसलिए पहले अपना स्वयं का ध्यान रखें फिर उसके बाद दूसरों का ध्यान रखें। तो उसमें आपातकालीन किट को लेकर के जो मुख्य तौर से बात आती है कि हम कहीं ना कहीं अपना एक घर में एक बैग इस तरह का तैयार रखें जिसमें कि हमारे सारे जरूरी कागजात हों, चाहे वो बच्चों के सर्टिफिकेट की बात हम करें, चाहे जमीन के कागजात है, चाहे हमारे बैंक के कागज है, मतलब जो भी हमको लगता है कि हमारे जरूरी कागजात हो सकते हैं उसको हम लोग अपने सामने रखें, अपने एक बैग में रखें। उसके साथ साथ हम उस बैग में कुछ जरूरी जो दवाइयां हैं खास करके दर्द की है, बुखार की है, वो दवाई हम लोग अपने सामने रखें, अपने सामने सॉरी नहीं उसमें हम रखें कि उसको हम एक बैग में रखें। उसके अलावा उस बैग में एक टॉर्च होना जरूरी है, एक चादर होना जरूरी है, और उसमें यदि हम कोशिश करें तो एक तिरपाल और एक पतला उसमें कंबल होना जरूरी है। तो इस आपातकालीन किट में यदि हम ये जरूरी ये रखते हैं तैयार रखते हैं तो यदि कभी भी किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आती है तो उसमें क्या है कि जो पहले निकला उसको पता है कि फलाने जगह पर हमने ये सामान बैग में रखा है, तो जिसको जो मौका मिला फटाफट बैग लेके निकल सकता है। होता क्या है कि जब आपदा में
किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचता है तो हम सब सुरक्षित हो जाते हैं, लेकिन बाद में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो ये समस्या आती है कि उस समस्या में होता क्या कि बाद में हमारे जो पेपर्स होते हैं, हमारे जरूरी दस्तावेज होते हैं, वो हमारे लिए निकालने दोबारा से बहुत मुश्किल हो जाते हैं। और तब हमें लगता है कि हम तो बच गए, लेकिन हमारा जो जिंदगी भर की जो हमारी कमाई थी, हमारी जिंदगी भर का जो हमारा जरूरी कागजात है, वो हाथ से निकल गए। तो एक जरूरी, ये जो एक जिसे हम कहेंगे आपातकालीन किट, हमें जरूर तैयार रखें और जिसको भी मौका मिलता है वो घर से फटाफट जैसे भी निकलते हैं वो बैग हम निकाल के रखें, और ऐसा भी ना हो। और खास करके जो मुख्य तौर से हम जब बात करते हैं कि पूरे साल भर यदि संभव नहीं भी होता है, लेकिन बरसात के जो 3-4 महीने होते हैं, खास करके यदि हम पहाड़ों की हम बात करें या हम प्लेन्स में, हम देहरादून की हम जब बात करते हैं, तो यहाँ पर भी पानी, कई इलाके हैं जहाँ पर पानी बहुत भरता है। तो बरसात के महीने, वो 3-4 महीने हम इसका जरूर ध्यान रखें कि वो ऐसे जगह पर रखें, ऐसा ना हो कि उसके लिए हमें संदूक से ताला खोलना पड़े। तो अप्रोच उसके लिए अच्छी हो ताकि हम तुरंत से उसको लेके निकल सके। दूसरा है कि बाढ़ के समय सबसे पहले जो वरीयता दी जाती है, हमारे जो बुजुर्ग हों, गर्भवती महिलाएं हैं, ऐसी महिलाएं हैं कि जिनके जिनके साथ कोई ऐसा सहारा नहीं है, जो जिनको हम एकल महिला कहते हैं, या जो विधवाएं हैं, या जो बच्चे हैं, तो इन महिलाओं का सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा। जो शारीरिक रूप से जो अक्षम लोग हैं, सबसे पहले इनको हमें ध्यान में रखना होगा और इनका हमें सबसे पहले ध्यान रखना होगा। बाढ़ जब भी आती है तो होता ये है कि सबसे पहले जो अफेक्ट करता है, जो प्रभावित करता है, वो हमारी बिजली होती है। तो ऐसे में क्या है कि बिजली के जो उपकरण है उनका बिल्कुल भी हम उपयोग ना करें, क्योंकि हमारे घर में भले ही नहीं है लेकिन यदि लाइन कहीं से आ रही है, यदि वो गीले वो उपकरण है, तो उसमें वो दिक्कत आ सकती है। जब भी बाढ़ हो उसके आसपास कई बार होता है कि लोग कौतूहलवश जाते हैं देखने के लिए कि देखे जरा कितना हुआ है, है ना, पानी कितना बड़ा है, कितना नहीं बड़ा है। तो ये ना ही बच्चों को जाने दें, ना ही ऐसा कोई खतरा मोल लें कि उसके आसपास हम सिर्फ ये देखने के लिए जाएं कि देखें कितना बड़ा है कितना नहीं बड़ा है। पानी की गहराई, उसकी धारा के अनुरूप ही हम कोई भी निर्णय लें कि हमें क्या करना है, हमें उसे पार करना है नहीं करना है, या कब हमें यहाँ से निकलना है। तो थोड़ा सा बाढ़ में हमें निरंतर देखना होगा। बाढ़ के बाद जब हम बात करते हैं भूकंप की, क्योंकि भूकंप ऐसी चीज है कि जब हम गांव में भी हम लोग बात करते हैं तो उसमें भी कई बार लोग कहते हैं कि अरे नहीं, इतने सालों से, पिछले 20-30 साल से तो कभी आया नहीं है, अब क्या आएगा। लेकिन वही है कि यदि हम उत्तराखंड की हम बात करें तो हम लोग जोन 4 और 5 में हम लोग रहते हैं, जो कि जिसे भूकंप के लिए अति संवेदनशील माना गया है। ठीक है, 20-30 सालों में नहीं आया लेकिन कभी भी कहीं भी आ सकता है। तो जब भूकंप आता है तो उसमें यह है कि एक तो हड़बड़ाहट हम बिल्कुल ना करें, घर के अंदर है तो घर के अंदर ही रहे। एकदम से कई बार होता है कि आदमी दरवाजा खोलने के लिए अंधेरे में भागता है। ज्यादातर हम लोग भूकंप कह दिए, हम लोग एक तरह से इतिहास देखे तो ये चीजें आपदाएं ज्यादातर रात को हुई हैं, और रात को वैसे भी कमरे में अंधेरा है तो उस समय होता है कि आदमी के गिरने पड़ने का ज्यादा नुकसान होता है। इसलिए थोड़ा सा संतुलित रहें और घर के अंदर है तो ऐसी चीजों से हम लोग बचें जो गिरने वाली चीज हो, घर के अंदर भारी कोई वस्तु है, और घर में जो भी हमारी चीजें हैं, चाहे वो मेज है उसके नीचे हम लोग छुप जाए, मेज हमारे पास नहीं है तो जो कॉर्नर है, हमेशा यही कहा जाता है कि जो दीवारों के जो कॉर्नर है, जो कोने हैं, हमेशा हम लोग खाली रखें। और सामान्य तौर पर यदि हम देखें तो हमारे कॉर्नर पूरे भरे होते हैं, तो कॉर्नर यदि हमारे पास जो कमरे के कॉर्नर हैं, जो कोने हैं, वहां पर हम लोग पेट के बल खड़े हो जाएं और सर के ऊपर हम अपना हाथ रख लें। यदि हमें लग रहा है कॉर्नर खाली नहीं है तो जो हमारा दरवाजा है उसके किनारे हम खड़े हो जाएं, वो भी संभव नहीं है, वहां पे 2-3 लोग पहले से खड़े हैं तो हम लोग दीवार के सहारे हम लोग खड़े हो जाएं। आप सर के ऊपर जरूर अपना हाथ हम लोग रखें, क्योंकि सबसे ज्यादा जो भूकंप में वैसे कोई जान नहीं जाती, भूकंप में तब जान जाती है जब कोई इमारत या कोई बिल्डिंग होती है, जब वो गिरती है तो सबसे पहले छत गिरती है, छत गिरती है तो सर पे सबसे पहले चोट लगने की आशंका रहती है। इसलिए हमेशा यही कहा जाता है कि अपना सर को हम लोग बचाएं। यदि हम लोग वाहन में चल रहे हैं, हम गाड़ी में चल रहे हैं, तो एकदम से हम लोग बाहर ना निकले, गाड़ी हम रोक दें, आसपास कोई भी बिजली के तार, खंबे वगैरह कुछ भी है उनसे हम लोग बचे रहें। घर से जब भूकंप खत्म हुआ तब हम घर से बाहर निकले, और बाहर निकल के ऐसी जगह देखें जहां पर सुरक्षित हो, जहां पर हमें लगे कि दोबारा कोई भूकंप आता है तो वो किसी तरह का कोई नुकसान हमें नहीं पहुंचाएगा। इसलिए खुली जगह हम लोग ढूंढें घर के बाहर, जो भी आंगन हो, जहां पर किसी तरह की कोई दिक्कत हमें लगे कि दोबारा भूकंप, क्योंकि भूकंप में हमेशा देखा गया है कि एक बार भूकंप आने के बाद दोबारा उसके जो आफ्टर शॉक्स हम लोग कहते हैं कि दोबारा भूकंप आने की संभावना बनी रहती है। भूकंप जब आए उसके बाद होता यह है कि जहां पर लोग फंसे हैं,
कई बार होता है कि लोग इमारतों के अंदर फंसे हैं, तो वहां पर उन चीजों को हमें देखना पड़ेगा, चिन्हित करना पड़ेगा कि ऐसे कौन कौन से घर हैं, ऐसे कौन कौन से इमारतें हैं जहां पर लोग हो सकते हैं, उनको बाहर हमें निकालना की कोशिश करनी है। बिजली के उपकरण जो गैस वगैरह वो हमें बंद कर देनी चाहिए, और यदि हम लोग देखें तो वैसे भी कहा यह जाता है कि रोज हमें रात को रेगुलेटर बंद करके हमें सोना चाहिए, क्योंकि जब हम बात करते हैं आपदा की तो सिलेंडर भी एक तरह से हमारे लिए एक आपदा है जो कि हम रोजमर्रा के हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, रेगुलेटर बंद करके रखें। लेकिन होता क्या है कि आज भी यदि हम देखें तो हम रेगुलेटर तब बंद करके जाते हैं जब हमें कुछ दिनों के लिए अपना घर बंद करके जाना है, और कई बार वो भी नहीं करता है क्योंकि हमें लगता है नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, लेकिन वो भी हमारे लिए एक तरह की एक विपदा है जो कभी भी आपदा हमारे लिए बन सकती है। और यदि किसी तरह के भूकंप आने से कोई नुकसान घर में को हुआ है, अंदर हम तभी प्रवेश करें जब हमने चप्पल या पैर में कुछ ना कुछ जूते वगैरह पहने हों, नंगे पाँव कभी भी हम घर के अंदर ना जाएं। यदि भूकंप आता है उसमें क्या है कि यदि कई बार होता है कि मिट्टी का तेल वगैरह घर के अंदर रखा था या कुछ इस तरह की चीजें, कई बार लोग एसिड रखते हैं, ये सारी चीजें हैं, यदि इस तरह की चीजें रखी हैं तो यदि वो कमरे में फैल गया है तो उसके लिए थोड़ा सा हमें ये ध्यान में रखना होगा कि हम जिसको भी वहां से निकाल रहे हैं तो उसको हम उस तरीके से हम निकालें, बाहर निकालें कि ताकि वो ज्वलनशील पदार्थ जो है वो और जगह ना फैले, और जिनको हम निकाल रहे हैं उनको भी किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाए, हमारे शरीर पे वो ना लगे। यदि आग लग गई है कमरे में किसी तरह के शॉर्ट सर्किट की वजह से या किसी भी कारणों से, तो हमेशा लेट करके निकलने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जमीन पे जब हम लेटते हैं तो थोड़ी सतह हमें साफ दिखाई देती है, थोड़ा सा जो हम कहते हैं ना कि हमें जो सफोकेशन होता है वो नहीं होगा। बाहर से सहायता की जब हम बात करते हैं, बाहर से सहायता की मतलब है कि यदि हम फंसे हैं, माना अंदर हम फंसे, हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं किसी कारणों की वजह से, तो उसमें यह है कि थोड़ा सा समय लग सकता है, थोड़ा सा कई बार चीजें इससे वो हो जाते हैं कि हम लोग पैनिक कर जाते हैं, हम अपने हाथ पांव छोड़ देते हैं। यदि हम सामान्य तौर पे कहें तो थोड़ा सा संयम बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो किसी भी तरह की आपदा है। संयम की बात हम लोग कहते हैं किसी तरह की हम हड़बड़ाहट ना करें, क्योंकि हड़बड़ाहट में हम बहुत सारी चीजों को खो देते हैं। भूकंप से यदि हम बात करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड की जब हम बात करते हैं तो भूकंप के आपदाओं में जब हम बात करते हैं तो भूकंप सबसे पहले आता है। भूकंप से सुरक्षा और उसकी तैयारी के लिए हम लोग जब बात करते हैं तो थोड़ा सा हमें ये तैयार होना चाहिए कि भूकंप यदि आता है तो हमें क्या करना है और क्या हमें नहीं करना है, ये घर के हर सदस्य को मालूम होना चाहिए। और खास करके इस चीज को जब हम युवाओं के साथ बात कर रहे हैं, गांव की महिलाओं के साथ, पंचायत के साथ हम बात कर रहे हैं, तो ये होना चाहिए। यदि हम बात करें तो सब लोग कहते हैं नहीं जी नहीं है, जब होगा तब देखेंगे, तो होता क्या है कि जब होगा तब देखेंगे में बहुत सारी चीजें हमारे हाथ से निकल जाती हैं। तो इसलिए ये है कि भूकंप से बचने के लिए हमें क्या करना है क्या नहीं करना है उसके लिए पहले से हमारे पास तैयारी होनी चाहिए। यदि छुपना है तो कहाँ छुपना है, कैसे जाना है, बाहर निकलना है तो हम कैसे निकलेंगे, बाहर निकलेंगे तो कहाँ पर किस तरह से हम लोग होंगे। दूसरा होता है कि हमें घर छोड़ने, यदि हमें लग रहा है कि हमें घर छोड़ना है तो सारे जो रास्ते हैं वो रास्ते किस तरह के हैं कि जिन रास्तों का हम लोग प्रयोग करेंगे अपना घर छोड़ने से पहले सुरक्षित स्थान तक जाने के लिए, क्योंकि कई बार होता है कि अपने घर से तो हम बचे लेकिन जो रास्ता हमने लिया था वहीं पर ऊपर से भूस्खलन हो गया और हम वहीं दब गए। तो थोड़ा सा ये चीजें हमें देखनी होगी कि कैसे हम लोग बाहर निकले, बाहर निकल के हम कहाँ जाएं, तो इन चीजों पे थोड़ा सा हमें गौर करना होगा। भूकंप की जैसे हम बात कर रहे थे उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने घर को सुरक्षित बनाना। यदि हम लोग सरकार के गाइडलाइन की हम लोग बात करें तो सरकार भी बहुत जोर दे रही है कि हमारे जो घर हो वो भूकंप अवरोधी हों, लेकिन होता क्या है आज भी हम लोग देखें गांव में हम लोग देखें तो पुराने जो घर होते थे वो उस तकनीकी से बनाया जाता था जो भूकंप अवरोधी तकनीकी होती थी, लेकिन आज क्या हो गया है कि आज हमें लगता है कि नहीं वो हमारे जो पठाल के घर होते थे वो कच्चे हो गए और जो सीमेंट वाले हमारे घर हैं वो हमारे पक्के हैं। लोगों ने क्या किया है कि पुराने घरों को तोड़ कर करके हमने सीमेंट के घर, कंक्रीट के जो छत हम डालते हैं उसके घर हमने बनाने शुरू कर दिए। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो वो बहुत भूकंप के हिसाब से वो बहुत संवेदनशील हैं जो हम आज की तारीख में जो घर बन रहे हैं, क्योंकि वो हम जो बना रहे हैं वो भूकंप अवरोधी नहीं बन रहे हैं। क्योंकि जब लोगों से बात करो, जब हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं नहीं भूकंप अवरोधी बनाएंगे तो जो मकान हमारा 5 लाख में बन रहा है वो हमारा 10 लाख में बनेगा, लेकिन तब हम ये नहीं सोचते हैं कि वास्तव में कितना सुरक्षित हमारे लिए वो होगा। यदि माना कोई भूकंप आता है, किसी तरह की कोई आपदा आती है, तो क्या ये घर हमें बचा पाएगा, लेकिन तब हमें लगता है कि नहीं पैसे ज्यादा खर्च हो रहे हैं। पुराने घर हमारे सुरक्षित इसलिए थे, वो आज भी सुरक्षित हैं, इसका हमारे पास जिसे हम कहेंगे सब लोगों ने देखा भी है कि
तो पुराने घर, कई सौ साल पुराने घर हैं, वो आज भी सुरक्षित हैं, उन्होंने कई सारे भूकंप भी देखे हैं, आपदाओं को भी उन्होंने झेला है, लेकिन वो सुरक्षित हैं, क्योंकि पठाल जो यदि हम टेक्निकली भी देखें तो जो पठाल होती थी उसके नीचे लकड़ी होती थी, यदि वो गिरती भी है तो वो एकदम से चोटिल करेगी, लेकिन वो किसी तरह की हानि इस तरह का नहीं पहुंचाएगी कि हम जैसे कहेंगे कि मानव का जैसे हम कहें जान जाने वाला उसमें नुकसान नहीं होता है। लेकिन यदि हम कंक्रीट की छत की हम जब बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं है कि वो एकदम से नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये है कि घरों को थोड़ा सुरक्षित हमें बनाना पड़ेगा। दूसरा है कि हमेशा जो घरों में अलमारियां होती हैं, वो अलमारी में हम लोग हमेशा जो भारी चीजें हैं वो हमेशा नीचे के रखें, बजाय कि हम सबसे ऊपर रखने के। दूसरा है, कई बार होता है कि हम लोग मिट्टी का तेल भी जमा कर रहे हैं, पेट्रोल भी जमा कर रहे हैं, तीन तीन चार चार सिलेंडर हमने घर में भर के रखे हैं, ये बहुत ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, हम इनका ज्यादा से ज्यादा भंडारण घरों में ना करें, तो इसका हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। दूसरा, हमने जो एक आपातकालीन किट की हमने बात की थी कि जिसमें टॉर्च वगैरह, हमने चादर की बात की थी, जरूरी दवाई दस्तावेज हम बात कर रहे थे, वो सारी चीजें हमें उसमें रखनी है। और उसमें यदि हमें लगता है तो हमें एक पानी की बोतल और कुछ बिस्किट वगैरह, क्योंकि ये सारी चीजें ऐसे होती है कि हमें कई बार बात करते हैं तो हमें लगता है कि नहीं नहीं आज तक तो जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन इस चीज को लेकर थोड़ा सा हमें संवेदनशील होना पड़ेगा। तो ये है कि हमें अपने घर सुरक्षित बनाने होंगे। कहीं ना कहीं है कि हमारे जो पुराने राजमिस्त्री होते थे, पुराने जो जानते थे, उन्हें पता होता था कहाँ पर घर बनेगा कहाँ पर नहीं बनेगा, उसकी मिट्टी की जांच होती थी, सारी चीजें होती थी। लेकिन आज हम लोगों को लगता है सड़क के पास हमें ज्यादा पैदल ना चलना पड़े, उसके बगल में कई बार गाढ़ गधेरे आ रहे हैं, कोई बात नहीं, पिछले 20 साल से 15 साल से पानी इसमें है नहीं, कोई बात नहीं, उसके पास हम लोग घर बना लेते हैं। लेकिन यदि वहां पर गधेरा है तो आज नहीं तो 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद तो दोबारा से जरूर आएगा। इसलिए थोड़ा सा घर बनाने से पहले हमें देखना होगा कि हम किस तरह का घर बनाए, कहाँ पर बनाए, कि कैसे हम लोग इसको बनाए। थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं भूस्खलन की, जो लैंडस्लाइड होता है, यदि हम लोग देखें तो इसमें यह है कि हम गांव के आसपास भी हम लोग देखते हैं, खास करके पहाड़ी क्षेत्रों में ये बहुत ज्यादा होता है भूस्खलन। तो इसको लेकर के थोड़ा सा ये है कि यदि गांव के आसपास हमें थोड़ा चिन्हित करना होगा कि ऐसे कौन कौन से जोखिम वाले क्षेत्र हैं जहां पर भूस्खलन हो सकता है, तो वो हमें उस समय मदद करेगा कि यदि किसी तरह की बहुत तेज बारिश हो रही है, या हमें लग रहा है कि बादल फटने जैसी घटना हमको महसूस हो रही है, या हमें लग रहा है कि बहुत दिनों से यहाँ पर जमीन का कटान हो रहा है, तो वो हमको मदद करेगा कि हमको अपनी तैयारी करने के लिए कि नहीं, यहाँ पर इसके आसपास यदि जो लोग रह रहे हैं बरसात के महीनों में खास करके, वहां से लोगों को हटाने के लिए बोलना पड़ेगा, या हमें लग रहा है दो दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो वो किसी न किसी एक जिसे हम कहेंगे आपदा का संकेत वो हमारे लिए हो सकता है। तो इसलिए भूस्खलन वाले क्षेत्र हमको अपने गांव के आसपास चिन्हित करने पड़ेंगे, और ऐसे इलाकों के आसपास काफी दूरी तक हमें इनके आसपास घर नहीं बनाने चाहिए। अब बात हम लोग करते हैं कि जो जोखिम न्यूनीकरण की हम लोग बात कर रहे थे, यदि हम जोखिम को कम करने की हम बात कर रहे हैं तो हम कैसे हम उसको कम करें। इससे पहले हमने बात की थी आपदा क्या है, हमने बात की कि आपदा के प्रकार क्या है, हमने आपदा प्रबंधन की हमने बात करी जिसमें हम तैयारी की हम बात कर रहे थे, उसके साथ साथ प्रबंधन से जुड़ा हुआ हमारा वो आपदा जोखिम न्यूनीकरण है, जिसमें कि हम कह रहे हैं कि हम गांव के लोग, क्योंकि आपदा जब भी आती है उसमें होता क्या है, यदि हम लोग देखें, यदि हम लोग भी आप लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो उसके पीछे मकसद वही है कि जब भी कोई आपदा आती है सबसे पहले जो बचाने के लिए जाते हैं वो लोकल लोग ही होते हैं। बाहर से सहायता देर में पहुंचती है, पहले गांव के लोग ही मदद करते हैं, पड़ोस के लोग ही मदद करते हैं, या हमारे आसपास के जो गांव के लोग हैं वो पहले मदद करते हैं, जिनको हम कहते हैं कि फर्स्ट रेस्पॉन्डर, वही हमारे बीच होते हैं जो मदद पहुंचाते हैं। तो हमारा कहना यही है कि जब हमारे लोगों की मदद हम ही लोगों को करनी है तो क्यों नहीं उसके पहले से हम लोग थोड़ा सा तैयारी करें, ताकि जो मदद हम पहुंचा रहे हैं बहुत बेहतर तरीके से हम लोग मदद पहुंचा सके। जब हम न्यूनीकरण की हम बात करते हैं तो जैसे हमने पहले कहा था कि आपदा से पहले, आपदा के दौरान और आपदा के बाद जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि तीनों चरणों पर बहुत जरूरी है बात करना, क्योंकि तीनों चरणों पर यदि हम बात नहीं करेंगे तो हम नहीं मान सकते हैं कि हम जो हम न्यूनीकरण की बात कर रहे हैं, आपदा से होने वाले नुकसान को हम कम करने की बात कर रहे हैं, समुदाय को हम सक्षम करने की बात कर रहे हैं, समुदाय को हम उन परिस्थितियों से लड़ने की हम बात कर रहे हैं, तो वो तभी होगा जब हम तीनों चरणों पर बात करेंगे, आपदा से पहले, आपदा के दौरान और आपदा के बाद। उसके लिए हम लोग जैसे बात करते हैं कि हम लोग उसके लिए रेगुलर उसका अनुश्रवण, जिसको हम मॉनिटरिंग कहते हैं, मूल्यांकन भी होता है, इसमें हम लिखित कार्य योजना की भी हम लोग बात करते हैं, तो उन सब चीजों को हमें देखना होगा कि
अलग अलग स्तर पर हमें क्या क्या तैयारियां हमें करनी है उस पर हमें बातचीत करनी होगी, जिसमें कि आपदा के दौरान हम आपदा से पूर्व हम तैयारी की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं है, जैसे हमने पहले भी कहा, चाहे वो बाढ़ की बात है, चाहे हम लोग बात कर रहे हैं भूकंप की बात कर रहे हैं, चाहे हम लैंडस्लाइड की बात कर रहे हैं, चाहे हमें अतिवृष्टि की लग रहा है या हमको बिजली चमकने की हम लोग बात करते हैं। पहले पहाड़ों में बिजली चमकना इतना नहीं सुनाई देता था, लेकिन पिछले एक दो वर्षों में यदि हम देखें तो हमारे यहाँ भी बिजली चमकना और उससे भी नुकसान हम लोग देख रहे हैं। तो ये सारे जो आपदाएं हैं उससे पहले तैयारी के इसमें थोड़ा सा हमें होगा, ये करना होगा कि जो जोखिम है कहाँ कहाँ पर क्या क्या खतरे हो सकते हैं, उन जोखिमों की हमें पहचान करनी होगी कि हमारे लिए आपदा के दौरान ये हमारे खतरे को और बढ़ा सकते हैं। तो हमें सबसे पहले उन जोखिमों की हमें पहचान करनी होगी। हमारा तरीका दूसरे को बताने का क्या होगा? माना मुझे पहले पता चला कि हमारे गाँव के पास कोई गाढ़ गदेरा है, उसे पानी अचानक से बढ़ गया, हम दूसरे गांव वालों को हमें सूचित करना है कि जब तक तुम्हारे यहाँ पानी पहुंचता है तब तक कैसे हम सूचित करें। तो उसके लिए हमारा जो अलार्मिंग सिस्टम होगा, हम जो एक अर्ली वार्निंग सिस्टम की बात करते हैं, पूर्व चेतावनी यदि हम उन्हें दें तो वो चेतावनी हम कैसे दें? यदि हम पिछले साल तपोवन जो 7 फरवरी को हुआ था 2021 में, वहां पर जो विष्णुप्रयाग में जो लैंडस्लाइड जो एक तरह से हम क्लाउड बर्स्ट भी नहीं कहते, उसे लैंडस्लाइड भी नहीं है, वो जो एक झील का जो बर्स्ट हुई थी उससे जो पानी आया था, उसे जो एनटीपीसी का पूरा डैम और धौली गंगा विष्णु गंगा में जिस तरह की जो तबाही मची थी वो हम सब लोगों ने देखा था। तो कहीं ना कहीं था कि शुरू में गांव कुछ लोगों ने देखा था वहां से पानी को आते हुए, लेकिन हमारे पास यदि कुछ इस तरह का सिस्टम डेवलप होता, चेतावनी सिस्टम कुछ इस तरह का होता, तो शायद जितना नुकसान हुआ था उतना नुकसान नहीं हुआ होता। और जो लोग हमने अपने आंखों से देखा है वीडियो के द्वारा, जो जितने लोग गए, कुछ लोग टनल्स में थे, वो लोग निकल सकते थे बाहर, लेकिन हमारे पास इस तरह का कोई सिस्टम नहीं था। तो कहीं ना कहीं है कि एक चेतावनी कैसे हम पहुंचाएं, वो माध्यम को हमें पहचान करनी होगी। यदि पुराने उसमें हम लोग देखें, यदि जैसे हम कहते हैं ना हमारे परंपरागत तरीके जो थे, कहीं ना कहीं उसमें लोगों के ढोल बजाने के जो तरीके होते थे उससे पता चल जाता था, ये कई बार एक गांव से दूसरे गांव में लोग हल्ला मचाने का तरीका होता था, तो उसमें लोगों ने पुराने लोगों ने उस समय फोन नहीं था, वो सारी चीजें नहीं थी, लेकिन उस समय लोगों के अपने तरीके थे। लेकिन जब हम अपने आप को कहते हैं कि नहीं, हम बहुत थोड़ा टेक्नोक्रेट हो गए, हम लोग बहुत पढ़े लिखे हो गए, तो कहीं ना कहीं पुरानी चीजें हम छोड़ते चले गए, नई चीजों को हम अडॉप्ट करते चले गए, और हमारी सारी जो निर्भरता है हमारी फोन पे ही आकर के रह गई। तो कहीं ना कहीं है कि जो पुराने माध्यम रहे हैं उनको हमें दोबारा से लेकर आना पड़ेगा। उन जोखिम से लड़ने की जो हमें क्षमताओं की हम लोग जो बात कर रहे हैं, उन क्षमताओं में कौन किस तरह का क्या क्या काम कर सकता है, हो सकता है हमारे बीच कुछ इस तरह के लोग हों जो कि इस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, कि वो भागते बहुत अच्छे हैं, हमें लग रहा है दूसरे गांव तक फोन काम नहीं कर रहा है, किसी तरह के संचार नहीं हम पहुंचा पा रहे हैं, तो ऐसा कौन सा हमारे बीच गाँव में ही कोई व्यक्ति है जो तुरंत 5 मिनट में दूसरे गांव में पहुंच सकता है। तो इस तरह से हमें अलग अलग क्षमताओं की बात हमें करनी होगी, कौन ऐसे हैं कि जो बचाने का काम बहुत अच्छे से कर सकता है, हमारे बीच ऐसे कौन से लोग हैं जो बाढ़ में इनके साथ आता है तो तैरना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, या हमारे बीच ऐसे कौन से लोग हैं जो फर्स्ट एड बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, फर्स्ट एड हमारे पास तुरंत नहीं, तो ऐसी कौन सी हमारे आसपास जड़ी बूटी है जिनका वो इस्तेमाल करके यदि किसी का खून बह रहा है या किसी तरह की कोई समस्या आपदा आई है तो उससे वो निपटा सकते हैं, तो वो हमें देखना होगा। दूसरा, वैकल्पिक मार्गों की हमें जानकारी होनी बहुत जरूरी है कि यदि हमारे गाँव का मेन रास्ता बंद हो गया तो ऐसे कौन सा रास्ता है जहाँ से हम सुरक्षित दूसरे जगह पहुंच सकते हैं। अब हो क्या गया, सब जगह गांव में सड़क आ गई है। अब सड़क आने से हुआ क्या कि जो हमारे गांव के वैकल्पिक मार्ग होते थे, जो पैदल चलने वाले मार्ग होते थे, वहां पर झाड़ियां उगी हुई मिलेंगी या वो रास्ते बिल्कुल खत्म हो गए। तो कहीं ना कहीं है कि वैकल्पिक मार्ग हमें ढूंढने होंगे, और ये 2013 की जो आपदा आई थी केदारनाथ की, उस समय ये महसूस किया गया कि वास्तव में वैकल्पिक मार्ग होने बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद है कि कहीं ना कहीं है कि हमारे पास आंकड़े होना जरूरी है, हमारे गांव के, हमारे इलाके के, कि यहाँ पे कितने परिवार हैं, कितने गर्भवती महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बुजुर्ग हैं, कितने विकलांग हैं, कितने किसकी क्या जमीन है, कैसे है, क्योंकि जब कोई आपदा आती है कई बार गाँव के गाँव बह गए, बाद में हमारे पास कोई डेटा ही नहीं होता है, तो तब लोग कहते हैं कि नहीं हमारा यहाँ पर ये था। तो वो सारी चीजें हमें, जो आंकड़े हमारे गाँव के होते हैं, जो संवेदनशील समूह हमारे गाँव के हैं,
वो हमारी जानकारी होनी चाहिए। कहाँ पर यदि हमें 2 रात के लिए अपना, 1 रात के लिए, कुछ घंटों के लिए अपना गांव छोड़ना पड़ रहा है, तो बगल में ऐसी कौन सी जगह है, या हमें अपना घर छोड़ना पड़ रहा है तो हमारा क्या स्कूल वहां पर एक शेल्टर हो सकता है, स्कूल नहीं है तो पंचायत भवन है, पंचायत भवन नहीं तो कोई ग्राउंड हमारे आसपास ऐसा मैदान है जहाँ पर हम लोगों को कुछ घंटों के लिए रुका सकते हैं, तो वो हमारे पास पहले से तैयारी होनी चाहिए। जैसे हमने क्षमताओं की हमने बात करी, तो उसमें हमारे गांव का एक कार्यदल होना चाहिए जिसमें कि हम चेतावनी की बात कर रहे हैं, खोज एवं बचाव की बात कर रहे हैं, प्राथमिक चिकित्सा की बात कर रहे हैं, स्वच्छता की बात कर रहे हैं, आशा प्रबंधन की बात कर रहे हैं। एक हमने बात की है आघात परामर्शी। कई बार होता है कि ट्रॉमा बहुत हो जाता है, मेंटल स्ट्रेस में आ जाते हैं लोग, कई बार होता है किसी के यहाँ से किसी की कोई कैजुअलिटी हुई है, ये तो उस तरह का है कि उस समय उनको संतावना देने की बहुत आवश्यकता महसूस की जाती है। तो ऐसा कौन सा हमारे पास है जो इस काम में बहुत अच्छा कर सकता है, या किसी तरह के हमारे गांव में नुकसान हुआ है, चाहे खेतों का नुकसान हुआ है, पेड़ों का नुकसान हुआ है, जानवर बहे हैं, घर बहे हैं, तो ऐसे कौन हमारे बीच ऐसे लोग हैं जो इसका आकलन बहुत अच्छे से कर सकते हैं सरकार के साथ मिल करके। तो कहीं ना कहीं है कि हमें इस तरह के कार्यदल का हमें गठन करना होगा। और ये सब चीजें जो हम कह रहे हैं वो आपदा से पहले की तैयारी है। यदि माना आपदा आती है तो उस दौरान क्या है, हमारा मेन जो काम है सहायता प्रदान करना, उसमें तुरंत पहले हम बचाने की बात होती है कि तुरंत हम कैसे वहां पर बचा सके, जो भी सूचनाएं हमारे पास हैं उनका सत्यापन के बाद ही हम उसका आदान प्रदान करें, चाहे सरकार के साथ करें, चाहे हम किसी संस्था के साथ करें, चाहे जिसके साथ भी हम कर रहे हैं, वो हमें देखना होगा हमारे समाज को आपदा आई है तो किस तरह की आवश्यकताओं की आवश्यकता है, चाहिए राशन, चाहिए पानी की आवश्यकता है या क्या है, वो सारी चीजें हमें तुरंत देखना होगा, उसका हमें प्राथमिकीकरण करना होगा। जरूरत हमें 5 चीजों की है, लेकिन 5 में से हमें लग रहा है कि नहीं, सबसे पहले आवश्यकता यहाँ पर पानी की है। बिना पानी के भोजन में हम कुछ घंटे रुक सकते हैं, लेकिन बगैर पानी के हम नहीं रुक सकते हैं। तो थोड़ा सा आवश्यकताओं के साथ साथ उनका प्राथमिकीकरण हमें करना होगा। सुरक्षित पेयजल, शौचालय की व्यवस्था, शौचालय का मतलब है कि टेम्पररी, क्योंकि यदि हम आसपास शौचालय का इस्तेमाल शौच के लिए जाते हैं लोग आपदा के दौरान, तो वो भी एक महामारी का कारण बन सकता है। दूसरा, हमारे जो पशु है उनको सुरक्षित स्थानों तक हमें पहुंचाना। दूसरी बात आती है कि आपदा के पश्चात हम क्या करें। आपदा के पश्चात जब आपदा हो जाती है तो उसके बाद सबसे ज्यादा जो होता है ट्रॉमा जो होता है, मानसिक आघात जो होता है, उसके लिए हमें काम करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। कई बार होता है राशन बढ़ जाता है, सामान बढ़ जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन जो जिस व्यक्ति ने जो खोया है, चाहे वो उसका घर से व्यक्ति गया, चाहे उसके पशु गया, चाहे उसका घर गया, जमीन गई है, तो उसने जो खोया है उसका जो आघात होता है उसके लिए हमें काम करने की आवश्यकता है। दूसरा है कि अफवाहों पर हम किसी भी तरह के ध्यान ना दें। अब बचाव और राहत काम में हम, राहत जो कार्य है उसमें हमें मदद करनी है और इसके लिए हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मुख्य रूप से यदि हम आपदा के दौरान, आपदा के बाद की जो हम बात करते हैं, क्योंकि आपदा के दौरान और आपदा के बाद में 72 घंटे की हम लोग बात करते हैं, जब तुरंत हमें पहुंचाना होता है तो वो 72 घंटे का हमारे पास एक समय होता है जब हम तुरंत मदद कर सकते हैं। इसीलिए जो सरकार भी बात कर रही है गांव स्तर पे, अलग अलग जगह पे, यदि हम लोग देखें महिला मंगल दल, युवक मंगल दल के साथ सरकार ने बहुत सारे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि सरकार बाद में पहुंचेगी, बाहर के लोग बाद में पहुंचेंगे, उससे पहले लोकल लोग ही मदद के लिए आगे आएंगे। इसीलिए लोकल जो लोग हैं, स्थानीय जो लोग हैं, उनकी क्षमता वृद्धि की बात की जा रही है, उनको जानकारी देने की बात की जा रही है, उनको जागरूक करने की बात की जा रही है। इसके साथ साथ विद्यालयों में भी, जो कई बार आपदा सुबह के समय आई, बच्चे स्कूल में हैं, तो कहीं ना कहीं है कि स्कूल के साथ भी बहुत ज्यादा जरूरत है बात करने की। उसके जो स्टाफ है, स्कूल के जो प्रधानाचार्य से लेकर स्टाफ से लेकर के बच्चों के साथ लेकर के, कि स्कूल की जो बिल्डिंग है वो किस तरह की बनाई गई है। हम बात कर रहे हैं कि आपदा के दौरान कई बार होता है शेल्टर के रूप में स्कूल को इस्तेमाल किया जाता है, पता चल रहा है उसकी बिल्डिंग ऐसी थी कि लोग अपने घरों से तो बच के निकले स्कूल में, वहां स्कूल की बिल्डिंग गिर गई, वहां वो चोटिल हो गए। तो कहीं ना कहीं है कि स्कूल में भी हमें देखना होगा, स्कूल कैसे हमारे हैं, स्कूल की बिल्डिंग किस तरह की है, स्कूल के आसपास, स्कूल जहां पर है क्या वो बच्चों के लिए सुरक्षित है कि नहीं है। स्कूल में दौरान यदि भूकंप आता है, बच्चे स्कूल में है तो वो बच्चे यदि भागेंगे तो क्या उनके लिए रास्ता सुरक्षित है या नहीं है। तो ये है कि समुदाय के साथ साथ स्कूल में बच्चों के साथ भी हमें बहुत ज्यादा बात करने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि हम बात करते हैं बच्चों के साथ तो वो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं बच्चे। आपदा जब आती है तो बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। यदि हम अभी कोरोना की भी हम बात करें, आपदा का मतलब सिर्फ हमारा भूकंप या बादल फटना या बाढ़ ही हमारा नहीं है, यदि हम अभी की कोरोना की महामारी की भी हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित हो रहे हैं वो हमारे बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका शारीरिक और मानसिक जो उनका एक जो ग्रोथ होनी थी वो
कहीं ना कहीं दब गई है। तो ये है कि उसके साथ आपदाओं से बच्चों के साथ भी हमें बातचीत करनी होगी, बच्चों को भी जागरूक करना होगा। यदि भूकंप आता है तो बच्चे क्या करें क्या ना करें, बच्चे यदि बाहर नहीं भागे, स्कूल में बेंच है उनकी जो टेबल है उसके नीचे छुपे तो कैसे छुपे, वो बच्चों को बताया जाता है। दूसरा है कि बच्चों को भी जिम्मेदारी दी जाए कि जो बच्चे यदि देखेंगे तो हमारे जो बच्चे हैं बड़े बच्चे सबसे पहले छोटे बच्चों पर ध्यान रखेंगे, छोटे बच्चों को बाहर निकालने का काम करेंगे, यदि कोई शारीरिक रूप से अक्षम बच्चा है उसको पहले ध्यान देंगे, या आसपास स्कूल के आसपास कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि कुछ तारे झूल रही हैं तो वो सब चीज़ें हमें देखना होगा, पेड़ हैं क्या है, तो वो चीज़ें हैं कि विद्यालय को भी हमें देखना होगा कि यदि किसी तरह की कोई आपदा आती है तो क्या हमारा विद्यालय सुरक्षित है, उसके आसपास का इलाका हमारा सुरक्षित है। तो इसके लिए हमें बच्चों के साथ भी हमें बात करनी पड़ेगी। यहाँ पर कुछ चित्र है जो कि बच्चों के साथ महिलाओं के साथ बातचीत की गई है, जो हम बात कर रहे थे आपदा प्रबंधन को लेकर के, आपदा जोखिम न्यूनीकरण को लेकर के, कि हम बात कर रहे हैं कि यदि कोई आपदा आती है तो हमारे पास कुछ भी नहीं होता है और हमें लोगों को बचाना है तो हम कैसे लोगों को बचा सकते हैं। इन चित्रों में यदि हम देखेंगे, पहला वाला जो चित्र है जिसमें एक महिला एक बच्चे को खींच रही है, है ना, तो वो ये जो तरीका दिखा रहा है कि यदि माना भूकंप आया, भूकंप आने से कोई बिल्डिंग गिरी है, छत टूटी है, अब अंदर कोई है उसको हमें बाहर निकालना है, अब छत को हम हिला नहीं सकते हैं तो अंदर हम जाएंगे तो कैसे जाएंगे, उसको हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। इसमें आप देख रहे होंगे महिला के सर के नीचे हाथ रखा हुआ है, क्योंकि हम हर बार कह रहे हैं कि सर को हमें बचाना है क्योंकि सर हमारा सबसे नाजुक होता है, तो कैसे वो खींच करके निकालेंगे कि दोनों सुरक्षित रहें, अंदर जो फंसे हैं वो भी है, जो निकालने उसे गए हैं वो भी। तो वो तकनीक है कि जिसमें कि हम कह रहे हैं कि कोई पैसों की आवश्यकता नहीं है, बगैर पैसों के हम कैसे सक्षम हो सकते हैं। दूसरा चित्र देखेंगे कि दो महिलाओं ने एक महिला को गोद में उठाया है, इसमें है कि यदि महिला किसी कारणवश चोटिल हो गई, चाहे वो खेत में थी या जंगल में थी, वहां से महिला को घर तक लेके आना है। होता यह कि हम फोन करते हैं कि हमारी महिला गिर गई, उसको हमें लेकर के आना है, तो गांव से कोई पहले वहां से या तो टोकरी लेके आएंगे या कुर्सी लेकर के आएंगे, तब हम उस महिला तक पहुंचेंगे, तब उस महिला को लेकर के आएंगे, या हम ही लोग उसको कंधे में डाल करके महिला को घर तक लेके आते हैं। तो कई बार होता है कि चीजें इसलिए भी बढ़ जाती है, चोट इसलिए बढ़ जाती है कि हमने उसको सही तरीके से हैंडल नहीं किया। यदि हम तरीके से उसको उठाते, तरीके से उसको लेके आते तो शायद चोट ज्यादा बढ़ती नहीं। तो इस वाले चित्र में समझाने का एक प्रयास किया गया है कि यदि महिलाएं हैं, महिलाओं को लेके आना तो किस तरह से वो उसे लेकर के आ सकती है, खास करके जब उसके पांव में चोट लगी है, वो चल नहीं पा रही है, यदि वो लंगड़ाते हुए घर तक पहुंचेगी तो उसकी चोट बढ़ सकती है। तीसरा जो चित्र बच्चे जो निकाल रहे हैं वो उसी तरह का एक अभ्यास है, भूकंप यदि आता है और हमें वो स्कोप लग रहा है, ऊपर वाले महिला जब खींच रही है तो उसमें वो स्कोप है कि लेट कर ही आप जा सकते हैं। दूसरे वाले चित्र में ये स्कोप है कि आप झुक करके जा सकते हैं, मतलब अंदर जाने के लिए रास्ता थोड़ा आपके लिए है, तो कैसे आप कर सकते हैं, तो उसमें वो बच्चा उसको उठा के ला रहा है। चौथा चित्र आप जो देखेंगे कि यदि माना कोई गिरा है उसको कैसे उठाना है, तो उसके लिए को बताया गया है कि उसको उठाने के भी तरीके होते हैं कि इस तरह से उठाया जाएगा कि ना उसकी कमर को नुकसान पहुंचेगा ना उसके सर को नुकसान पहुंचेगा। ये पहला चित्र महिलाओं ने उठाया है, अब आप देखेंगे इसमें तीन महिलाओं ने उठाया है और एक महिला ने यहाँ से इसे सपोर्ट दिया है। तो ये जो उठाने का तरीका है, कोई महिला गिरी है और वो उठ नहीं पा रही है, ऐसी महिला को हमें घर तक लाना है तो हम कैसे लाएंगे, तो ये इसका तरीका है। इसके बगल में एक स्ट्रेचर बना है, हम कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ भी साधन नहीं है, लेकिन हम जंगल में है या खेतों में है, हमारे पास जराती होती है, हमारे पास रस्सी होती है, और ये खास करके उन महिलाओं के लिए थी और जो कि जंगलों में जाती हैं काम करने के लिए, या कोई सड़क दुर्घटना हो जाती है, गाड़ी खाई में गिर जाती है तो नीचे से ऊपर लाना होता है। यदि हम लोग भी देखें तो नीचे से कई बार हम लोगों ने भी देखा है तो कंधे में लेके आते हैं या चादर लेके जाते हैं तो चादर में लपेट करके उनको ऊपर लेके आते हैं, तो जो उनकी छोटी सी चोट थी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसमें जो एक स्ट्रेचर बनाने का तरीका जो समझाया गया है उसमें आप देखेंगे कि जो कपड़े हमने पहने हैं उन्हीं कपड़ों से स्ट्रेचर बनाया गया, धराती हमारे पास है, दो मजबूत लकड़ी हमने काटी और हमने जो कपड़े पहने थे उसी से हमने स्ट्रेचर तैयार किया, और जो बगल में महिलाओं ने वो उठाया है स्ट्रेचर पे रखने के लिए, यदि हम लोग देखें तो इस तरह से उठा के वो स्ट्रेचर पे रखेंगी। तीसरा चित्र जो दिख रहा है आपको, उस चित्र में दिखाई दे रहा है कि कैसे वो स्ट्रेचर हम बना सकते हैं अपने कपड़ों से। इन महिलाओं ने, ये जो लड़कियां दिख रही हैं, इन्होंने अपने जो इनकी स्वेटर पहनी हुई थी, क्योंकि ये
ट्रेनिंग हम लोग देखें तो सर्दियों में की गई थी पिछले साल, तो कोरोना से पहले 2019 की ये ट्रेनिंग है, तो 1920 में तो इन्होंने जो कपड़े पहने थे उन्हीं कपड़ों से हमने स्ट्रेचर तैयार किया है। चौथे चित्र में कोशिश की गई, हमने जो आपदा से पूर्व तैयारी की हमने बात की थी, ये एक गांव के चित्रण किया गया है, एक गांव का नक्शा महिलाओं ने तैयार करा कि हमारा ये घर है, इस घर में बुजुर्ग लोग रहते हैं, इस घर में ऐसी महिलाएं हैं जो बच्चों को दूध पिलाने वाली माताएं हैं, इसमें गर्भवती महिलाएं हैं, ये घर ऐसे हैं जो धारे के पास जो गाढ़ गधेर हैं उनके पास हैं, या ये घर ऐसे घर हैं जहां पर कि हमें लगता है कि हम सुरक्षित रह सकते हैं। तो एक मानचित्रण एक तरह से बनाया गया था कि कौन कौन से इलाके के आसपास के इलाके जो खतरे वाले इलाके हैं, ऐसे कौन कौन से घर हैं जिन पे हमें यदि कोई दिक्कत आती है, कोई आपदा आती है, तो हमें सबसे पहले इन घर की तरफ अप्रोच करनी है। जहाँ पे स्वस्थ लोग हैं, जहाँ पे ठीक ठाक लोग हैं, वो तुरंत बाहर निकल पाएंगे, लेकिन जहाँ पे बुजुर्ग हैं या शारीरिक रूप से अक्षम लोग हैं, यदि वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो सबसे पहले हमारी जो प्रायोरिटी होगी, हमारी जो वरीयता होगी, वो होगी ऐसे लोगों को बाहर निकालना। तो हम फिर हमें पता होगा ये मानचित्र का जो मकसद था आपदा से पूर्व तैयारी में, जो हम आंकड़ों का एकत्रीकरण की बात कर रही थी, ये उसी का एक रूप है कि कैसे हम लोग सारी जानकारी हमारे पास हो, सारा डेटा हमारे पास हो कि कहाँ कहाँ खेत कहाँ कहाँ पर क्या चीजें हमारे पास है। ये स्कूल में कुछ बच्चों के साथ एक्सरसाइज की गई थी कि यदि माना कोई बच्चा खेलते खेलते अचानक से गिर गया, तो हम कैसे उस बच्चे को देखें कि इस बच्चे को अभी हम उठा सकते हैं नहीं उठा सकते, कि बच्चा अचानक से बेहोश हो गया है। तो ये छोटे बच्चे को ये सिखाया गया कि कैसे वो चेक करे, किस तरह से वो देखे कि इसके कहीं चोट वोट तो नहीं लगी है। तो वो बच्चा जो पीठ में देख रहा है, आप देखेंगे कि उसको जो मोड़ा है उसने बच्चे ने, वो उसके जो बच्चा देख रहा है उसने अपने घुटनों पे उसको सहारा दिया है। ऐसा नहीं है धड़ाम से उसको नीचे जमीन पे लिटा दिया, नहीं, उसने अपने घुटनों पे अपने जांघों पे उसको सपोर्ट दे करके उन्होंने वो चेक कर रहा है कि पीठ में कहीं इसके कोई दिक्कत तो नहीं है। यदि माना पीठ में किसी तरह की कोई चोट होती है तो वो कुछ ना कुछ हरकत करेगा, वो लगेगा कि जहां पे दबाने से वो हल्का हल्का दबा रहा है, इससे लगेगा कि हरकत हुई तो इसका मतलब यहाँ पर इसको दिक्कत है, कमर में दिक्कत महसूस हुई तो इसका मतलब इसको जो प्राथमिक उपचार दिया जाएगा इसको उसी हिसाब से दिया जाएगा। दूसरे चित्र में जो दिखाया गया है इसमें कि यदि माना किसी तरह की कोई आपदा आती है, खासकर को भूकंप को लेकर के, तो बच्चे बचेंगे तो कैसे बचेंगे, कैसा अपना सर वो बचाएंगे। ये स्कूल की ही नहीं है, यदि घर में भी हमारे पास टेबल है या पलंग इस तरह के हो, आजकल तो सबके यहाँ ज्यादातर हम लोग देखते हैं तो दीवान सबके यहाँ होता है, वहां पर हमारे पास छुपने के लिए कोई जगह नहीं बचती है, लेकिन तख्त इस तरह के हैं तो वहां पर कैसे हम बच सकते हैं, ये दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर वही प्रयास किया गया है कि कैसे बच्चे उठा करके ले जा सकते हैं यदि स्कूल में कोई दुर्घटना घट गई बच्चे के साथ, यदि बच्चों ने घर तक पहुंचाना है, क्योंकि मकसद हमारा है कम से कम समय में उसे तुरंत फर्स्ट एड मिलना जरूरी है। इसमें एक हाथ की कुर्सी है, हम बचपन में यदि सब लोग देखें, ये देख के ध्यान में आएगा कि हम लोग जब खेलते थे तो इस तरह की कुर्सी बनाई जाती थी, और इस तरह की कुर्सी में इस बच्चे को बिठाया गया है, तो बहुत कंफर्टेबल कुर्सी है, मतलब हमने तो खेल खेल में ये कुर्सियां बनाई हैं झुलाने के लिए, लेकिन यदि किसी तरह के बच्चे के पाँव में किसी तरह की कोई चोट आ जाती तो इस तरह की कुर्सी बहुत ही फायदेमंद होती है। तो मोटा मोटी यदि हम लोग देखें तो ये कोशिश जो हमारी रही है वो यही है कि कैसे हम आपदाओं से बच सकते हैं, मतलब मकसद हमारा वही है। यदि हम बात कर रहे हैं आपदाओं को लेकर के कि सरकार भी अपने स्तर पे काम कर रही है, लेकिन सरकार बाद में पहुंचेगी। हम जो आपदा को लेकर जो प्रबंधन की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम गांव के लोगों से यही बात करते हैं, और हम भी व्यक्तिगत तौर पर यदि मैं अपनी बात भी करूँ तो मेरी सुरक्षा स्वयं मेरे हाथों में है, मेरे परिवार की सुरक्षा हमारे हाथों में है। क्यों हम अननेसेसरी सरकार का इंतजार करें या हम किसी संस्था का इंतजार करें या किसी विभाग का इंतजार करें कि वो आएगा तब हमारी मदद करेगा। मकसद हमारा है कि कम से कम जन हानि हो, जन हानि कम से कम तभी होगी जब हम पहले से किसी चीज के लिए तैयार होंगे। हम पहले से तैयार नहीं होंगे तो हानि होनी ज्यादा स्वाभाविक है। इसलिए हमारा मकसद वही है कि खास करके आज का जैसे ये था कि यहाँ पर युवा लोग भी शामिल हैं, तो युवाओं से भी हमारी अपील यही है कि इसको नज़रअंदाज ना करें, आपदाओं को हम नज़रअंदाज ना करें। चाहे हम अभी कोविड की हम बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं तीसरी लहर भी शुरू हो गई है, लेकिन आज भी हम देख रहे हैं तो कोई भी जागरूक नहीं है। मास्क सिर्फ इसलिए हम लोग पहन रहे हैं क्योंकि हमें चालान हो जाएगा, यदि चलान नहीं होगा तो हम नहीं पहनेंगे। हम हेलमेट की बात करते हैं, सड़क दुर्घटना हमने कहा था मानव जनित आपदा है, हेलमेट सिर्फ इसलिए हम लोग पहनते हैं क्योंकि चलान के डर से,
भाई सर फूटेगा तो हमारा फूटेगा, सरकार का कुछ नहीं जाएगा। हम वही कह रहे हैं कि सरकार का कुछ नहीं होना, सरकार बाद में कॉम्पनसेशन देगी, कॉम्पनसेशन का भी अपना एक हिसाब होगा, एक लिमिट होगी, है ना।